अबे यार खत्म हो गया भाई इसका आगे का पूरा। तो काफ़ी टाइम पर हम निकल रहे संडे राइड पे, बाकी बाइक को मैंने कवर किया हुआ था काफ़ी टाइम से ऐसे ताकि धूल मिट्टी ना लगे। लेट्स सी कैसी होगी अभी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन से लगभग 2-3 वीक से आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ लगातार। तो मैंने कहा कि चलो जब बाहर हूँ तो बाइक गंदी ना हो, पर देखो गंदी तब भी हो गई, धूल तो आई गई। तो फिलहाल बाइक थोड़ी सी गंदी है क्योंकि खड़े खड़े गंदी हो गई। बाकी मैंने देखो ये नया मॉडिफिकेशन कराया था, मैं एक बारी बाइक धो दूंगा ना तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि कितना स्लीक और कितना हैवी लग रहा है पीछे से देखने में। बहुत प्यारी लग रही है बाइक। बाकी अभी निकलते हैं क्योंकि बाकी राइडर्स निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 बजे का प्लान था, अभी 8 बज चुके हैं, वो तो निकल गए हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम निकलो मैं अकेले आ जाऊँगा, तो कोई बात नहीं चलो चलते हैं, वहाँ पहुँच के मिलते हैं उनसे फिर वार्तालाप करेंगे। तो बाइक को भी कर लेते हैं वार्म अप, मैं भी अपने आप को कर लेता हूँ थोड़ा बहुत वार्म अप। बस जिप खुली है मेरी और ये पीछे का मैंने टायर अगर निकाल दिया है, मेरे हिसाब से आज चल जाना चाहिए राइड पे, राइड के बाद लगाता हूँ पंचर क्योंकि टाइम नहीं है ना अभी। मतलब ये ग्लव्स व्लव्स पहन लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, फिर बात करते हैं तुम्हें। वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट उनके पास ही मिलता हूँ क्योंकि ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। चलो तो फिलहाल सीन ऐसा है, बाकी राइडर्स पहुँच चुके हैं वहाँ, मतलब नरेंद्र नगर की राइडर काफ़ी टाइम बाद नरेंद्र नगर जा रहे भाई, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद नरेंद्र नगर जा रहा हूँ। अभी का जो प्लान है वो ये है कि बाकी राइडर्स 7:25 पे मेरे को कॉल आया था, तब मैं सो रहा था, अभी हो रहे 8:08, तो ऑलमोस्ट 40 कुछ मिनट हो चुके हैं, तो आई गेस वो अब तक पहुँचने वाले होंगे नरेंद्र नगर। और मैं अभी घर से निकल रहा हूँ तो मैं उन्हें वहीं पर मिलूंगा डायरेक्ट नरेंद्र नगर पर, मैं तुम्हें सीधे अब ऋषिकेश में मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या चाहिए वीडियोस में, आपको क्या सही लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है, और अगर मेरी वीडियोस में आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं डेफिनेटली करूँगा, और वो आवाज़ की रिगार्डिंग हो कि क्वालिटी की रिगार्डिंग हो, डू लेट मी नो। बाकी अभी अपन लोग हैं काला गाँव में और अभी हमें ऋषिकेश पहुँचने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अकेले अकेले हिसाब बोल जाता है, इसलिए मैंने गाने भी लगाएंगे आराम से गाने सुनते जाएंगे। उसके बाद थोड़ा फीलिंग भी कराएंगे, अभी आधी टंकी है बाइक में, तो मैंने यहाँ करवाया था पर मैंने कहा यार वहीं पे करा दूंगा, पीछे टायर में कील भी है तो मैं सोचा वो कील भी चेक करा दूंगा ना कि अभी हवा लीक तो नहीं हो रही, और अगर हो रही होगी तो यार एकदम से पंचर लगवा दूंगा क्योंकि रिस्की हो जाता है कि एकदम से पंचर हो जाए ना, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है। नरेंद्र नगर भाई राइड ज़्यादा लंबी नहीं होती हमारी, छोटी होती है क्योंकि हम यहाँ से नरेंद्र नगर जाते हैं फिर वहाँ से वापस घूम के वापस आते हैं, मतलब खाकर, तो वो हमारे लिए काफ़ी छोटी पड़ जाती है राइड, पर मज़ा बहुत आता है क्योंकि मेरे को टायरों में फील हो रहा है कि हाँ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है, क्योंकि कॉर्नर लेने में थोड़ा सा मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस ना आने का रीज़न वही हो सकता है कि टायर अभी साथ नहीं दे रहे, तो अभी बस एक बार वो हवा का भी चेक करा दूँ क्योंकि हवा कम होगी होगी मेरे हिसाब से, देख रहा हूँ बिल्कुल साथ नहीं दे रहे एकदम भी टायर, तो अभी मैं चेक करवाता हूँ फिर बात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमको मारो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। क्या हुआ? अरे भाई कार होगा और क्या कहते हैं यहाँ पे ना बजरी होगी, वो कंट्रोल नहीं गाड़ी ना, वो सेट हो गया और वो सीधा जाके उसमें चिपक गई। लगी तो नहीं। बाकी लोग का अभी यार ये चलते हैं इस पर, ये तो यहाँ पे हॉस्पिटल कौन सा है, हिमालयन यहीं पे तो है। दिखाना तो पड़ेगा ही, कितने की स्पीड में इम्पैक्ट हुआ, अच्छी खासी स्पीड में इम्पैक्ट हुआ क्या? वो पूरा झड़ गया यार। अच्छा इसका पूरा पता है सर लगा दीवार पे, अगर ऐसे ही में हेलमेट नहीं होता तीन बार ही घूम के गिरा हूं। तुम किधर से आए? तुम किधर से निकले? यहां से निकले, पता क्या हुआ, यहां से निकला इधर कार वाला था, हां ये देख रहे हो, हां हां
मिट्टी में चढ़ी होगी ना बाइक, वही मिट्टी में चढ़ गई ना। इंश्योरेंस नहीं है क्या? हो जाएगा, हाँ तो फिर उसमें तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, डिटेल देनी पड़ेगी और क्या होगा। चाबी है, चाबी वो पीछे लग रहा है टायर, पीछे लग रहा है टायर। ये तो टो के जाएगी, टो के जाएगी, तो टो के जाएगी, टो के कंपनी पे कॉल कर दो, आपके असिस्टेंस तो होगा, इंश्योरेंस भी होगा ना आपके, उसमें कॉल करो कंपनी को डायरेक्ट, वही करेंगे टो वगैरह भी। हाँ किधर से? कम शोरूम से ज्यादा लगी तो नहीं क्या? तो इसका फ्रेम नहीं होगा यार, फ्रेम घिस जाएगा और लगेगा ही नहीं, वहाँ फ्रेम पे आ रही है पूरी बाइक, पूरा फ्रेम पे है। स्टार्ट करके ही जाइए, वो लग रहे टायर वहाँ पे, फ्रेम निकलेगा इसको ना छड़ के, फ्रेम टूट। रुको दो मिनट, टेढ़ी भाग रही है। अरे इसको एक काम करो, वो निकालना ही पड़ेगा, ये निकालना ही पड़ेगा। वही समझ नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ धक्का उठा रहा हूँ बच्चे की तरफ। खत्म हो गया भाई इसका आगे का पूरा। तो दर्द हो रहा है, थोड़ी सी आवाज निकल गई उसकी वजह से। एक बार ही दिखाया ना डॉक्टर को। मेडिकल वाला कुछ नहीं है क्या? मेरे पे भी नहीं पड़ा ना, मैं रखा तो था पर वो सब दर्द शुरू होगा अभी तो। बहुत बच गए। मैंने दो तीन कलावाजा खाया, माँ गिरा उसका कहाँ पे? इसको इस पे नहीं लगाना मतलब कि आगे गिरे लगा। भैंस की वो इंश्योरेंस नंबर निकाल लेंगे, वो खुद कर लेंगे। हैं तो नहीं, वैसे अगर उनको अभी बोल दोगे ना तो उठा लेंगे वो, उनको बताना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। वो तो आएंगे लेने, एक्सीडेंट हो गया आगे गाड़ी लेने। चूंकि शॉकर तो इसके ढूंढे बदलेंगे, चेंज होंगे। अब शॉकर मुड़े कि वो मुड़ गया, चलने लायक नहीं है। इसमें का इम्पैक्ट आया? अरे हेलमेट, हेलमेट दो बार ही लगाया यार मेरे को, इतना पता चलता था नहीं कि मेरा दो बार ही सिर लग रहा है। ये लगाओगे तो लगाओगे, बाकी तो कोई है नहीं निशान भी। हेलमेट की वजह से बच गया वो, भाई है ना पटका होगा बस, क्रैश वो घिसा नहीं मेरा। यहाँ पे गाड़ी वाले मोटरसाइकिल नीचे गिरते देखे, हाँ भाई 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 नीचे नहीं गिरा वो, भाई भाई को दिखाई नहीं देता। हाँ रोड दिखाई नहीं देती, अरे वो हेलमेट भी टूट गया तुम्हारा। तो गियर हमेशा लेना, अगर भाई के गियर पहने होते ना भाई ने, तो भाई की जितनी चोट आई है ना उतनी भी नहीं आती, उससे भी बहुत कम आती। और बाइक तो देखो यार चलने लायक हालत में है नहीं, खत्म हो रही है, वो तो टो ही होगी सीधा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वेयर योर राइडिंग गियर्स, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से
उस सेगमेंट में जितना भी बजट है ना उस हिसाब से उठा लो। अगर आपका बजट 3-3.5 हज़ार रुपए का है तो आर्मर आते हैं, बॉडी आर्मर वो ले लो, वो आपकी बॉडी को सेफ तो रखेंगे। बाकी आपका बजट अगर पहुंच रहा है 7-8-9-10 हज़ार रुपये तक तो राइडिंग जैकेट ले लो। पर अगर आपका देखो हर चीज़ का ना आज के टाइम पे अल्टरनेटिव है, अगर आप पे नहीं है आपका बजट 2-3 हज़ार रुपये का, 3.5 हज़ार रुपये का ही बजट है तो भाई उतने में आपको आर्मर मिल जाते हैं आज के टाइम पे, राइडिंग वाले आर्मर। और थोड़ा बहुत आप लगा लो 1200-1500 रुपये के में एक नी गार्ड हैंड गार्ड मिल जाता है, पर वो नी गार्ड तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं पर यार वो ऊपर के लिए बेकार है, मतलब नीचे के लिए नी गार्ड ठीक है पर ऊपर के लिए आपको लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ गियर, क्योंकि उनसे तो भाई आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। सबसे पहले जब आप गिरते हो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है आपके हाथों पे, क्योंकि अपने हाथों से आप रोकते हो, हाथों से इम्पैक्ट आता है पूरे यहाँ पे फोर आर्म्स में आपके, उसके बाद पूरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ लो इसमें आपकी पूरी बॉडी का वर्क आओ ताकि आप बिल्कुल सेफ रहो। कैसे हैं आप? कौन? सेम डिट्टो तुम्हारी जैसा तुम्हारा जैकेट। क्या? अच्छा। यही थी। आरा थीटा ला ला भाई। अच्छा उसके यहाँ निकल गए? हाँ। और ग्रुप के साथ लगाया ना कोई और ग्रुप के साथ। कैसे हो आप? भाई तुम मिली गए। भाई खत्म आरंभ है उसके। हाँ फ्रंट से सॉकर गए। पूरी चिपक गई वो तो आगे। किस्मत थी हड्डी टूटी। भाई पहन लो गार्ड में कह रहा हूँ। भाई यार मैंने गार्ड से निकाल लिए इसके। तो क्या पहना क्यों फिर?